हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने रियल क्रिकेट 22 में मल्टीप्लेयर रैंक गेम किस तरह लगाना है, और उसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब मल्टीप्लेयर आपका कोई अपना टीम होगा उसके साथ आप आगे जाके किसी और टीम के साथ मल्टीप्लेयर रैंक गेम लगाएंगे तो उसमें आपको ये प्लेयर्स कहाँ से मिलेंगे। वीडियो को फुल देख ले ताकि समझ सही से आए, और साथ साथ ही फॉलो एंड लाइक का बटन भी दबा दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो अभी मल्टीप्लेयर का सीन ये है कि आपको इसमें 11 बंदे चाहिए होते हैं, और आपको कुछ ऑलरेडी भी दे देंगे बंदे, और कुछ आपको जो है ना स्पिन वगैरह इससे भी मिल जाएंगे। तो अभी देख रहे हैं, अभी इस तरह करते हैं कि जाते हैं स्टोर पे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद इधर हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, बंडल्स। अभी इसमें आप देख सकते हैं, एक आपको ये स्पिन नज़र आ रहा है प्रो स्पिन, और एक आपको ये वो नज़र आ रहा है जो स्क्रैच करते हैं। तो अभी सीन ये है ना कि इस वाले में आपको बंदे मिलेंगे जो प्लेयर्स होंगे ना, अगर वो ब्रॉन्ज हुए या सिल्वर प्लेयर्स हुए, जितना रैंक ऊपर जाएगा प्लेयर का तो अच्छा प्लेयर कहलाता है, मतलब प्लेटिनम या इस तरह गोल्ड में तो अच्छे प्लेयर मतलब होते हैं। तो वो सब आपको इधर ही मिलते हैं। आपने क्या करना है, बस जस्ट 2-3 सेकंड की वीडियो है वो देख के आपने स्पिन को करना है, और आपकी लक है कि आपको इधर मिलते हैं या नहीं। तो वैसे है कि ट्राई कर लेंगे स्पिन में, अभी एक ट्राई करते हैं कि वैसे क्या सीन है स्पिन का, जो मैं मिलता है या नहीं। अभी मुझे पॉइंट्स मिले, ये उधर मल्टीप्लेयर में यूज़ होते हैं। तो इसी तरह आपने स्पिन करना है, इस स्पिन में वो से आपके जो प्लेयर्स हैं ना वो निकलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो ये थर्ड फोर्थ वन मैंने आपको ये बताया ना, तो इसमें क्या है, इसमें इधर लिखा है आप देख सकते हैं, इधर आपको स्टेडियम भी मिलेगा सिल्वर और ब्रॉन्ज में। स्टेडियम मतलब आप जब मल्टीप्लेयर ऑनलाइन किसी के साथ खेलेंगे ना, तो उसमें मुंबई जो स्टेडियम है ना वो पहले से सिलेक्टेड होता है, लेकिन आपने अगर कोई और स्टेडियम में खेलना है, लाइक लॉर्ड्स हो गया, इस तरह कोई और भी स्टेडियम्स है या तो उसमें खेलना है, उसके लिए आपको आपके पास स्टेडियम होना ज़रूरी है, तो वो आपको इधर से ही मिलेगा। और उसके बाद जो ये जर्सी हो गया है और लोगो वगैरह, तो वो भी आपको इधर से ही मिल सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब प्लेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट के, तीन इसमें प्लेयर मिलते हैं ना 20 मैचेस के लिए, 30 मैचेस के लिए, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मतलब आप उसकी टाइम भी ज़्यादा कर सकते हैं, डेज जो है ना वो ज़्यादा कर सकते हैं मैचेस। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसकी जो ये पास है, रॉयल पास है या कहते हैं RP जैसे, ये आप देख सकते हैं डेली रिवॉर्ड्स में, डेली रिवॉर्ड्स में चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इधर भी आपको ये देखें ब्रॉन्ज प्लेयर मिल रहा है, अभी देख ली ब्रॉन्ज प्लेयर, इसके साथ साथ आप देखिए अभी इधर सिल्वर भी मुझे मिला है। अब ये आप देखिए एक और सिल्वर मुझे मिल जाएगा, अभी कलेक्ट कर दूंगा, ये भी आप मिशन करके ही आपको मिलेगा। आप देख लिए मुझे इधर फास्ट मीडियम बॉलर मिला है, और ये इसकी स्किल्स है, बैटिंग भी बस नॉर्मल ही है। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं इधर ये मेरी एक टीम है। अभी ये कह रहे हैं ना कि आप टीम में 40 तक बंदे रख सकते हो, 40 से ज़्यादा होगा तो फिर आपको एक बंदा जो है ना वो रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक बंदे को रिमूव कर दूंगा इधर से, आप देख सकते हैं मैंने बंदे को एक को डिस्कॉर्ड कर दिए, तो इधर 40 रह गए, तो 40 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते अभी। अच्छा, तो आपको मैंने ये दो चीज़ें बता दी कि आपको बंदे कहाँ से मिलेंगे मल्टीप्लेयर गेम खेलने के लिए ऑनलाइन। अभी इसके बाद आते हैं मल्टीप्लेयर गेम किस तरह खेलना है। आपने जिस तरह आप होम पे आए, होम के बाद आपने इधर इस मल्टीप्लेयर में जाना है, उसके बाद अगर आपने 2v2 खेलना है ये कमी सुन है, 1v1 पे हम क्लिक करेंगे इधर 1v1, उसके बाद ये रैंक पे क्लिक करना है आपने। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं इधर इधर जो है ना रैंक मैच आपको नज़र आ रहे हैं, और इधर ये लीग स्टार्ट है, लीग नेक्स्ट स्टार्ट हो भी जाएगी, तो अगर आपको लीग ने खेलना है तो इस पे क्लिक कर ले, अगर नहीं रैंक खेलना है तो फिर ये फर्स्ट वन जो ऑप्शन है आपके पास इधर आना है आपको।
इसके बाद अभी आप इधर टीम को मैनेज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्ले भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्ले पे दबा दिया, अभी इस तरह ये आ गया। अभी मैं इधर अपना स्क्वाड ले लूँगा। इसमें रूल्स भी हैं, आपको मैं वो रूल्स बता दूँगा। इसमें रूल्स में लिखा है कि आपके पास एक कीपर होना चाहिए और ऑलराउंडर होने चाहिए 5, जिसमें बॉलर्स भी होंगे। तो ये तो मस्ट है कि आपके पास इस तरह होना चाहिए। आप सिर्फ बैट्समैन नहीं ले सकते, आप कीपर के बगैर नहीं खेल सकते। तो ये ज़रूरी है खेलना, अगर ना हो तो टीम वैसे भी ये खुद ही अभी देख ले बना दिए इन्होंने। तो बस सिंपली इधर तक आ गए। इसके बाद आपने ये नीचे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो अभी सर्चिंग कर रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं इधर मैच फाउंड हो गया है, जो ओपनिंग प्लेयर है वो भी आ चुका है। सो इसी तरह तो इधर आप देख सकते हैं मेरी जो गेम है मल्टीप्लेयर की वो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने विन भी किए। तो बस यही था आके आपको दिखाना था कि ये होगा, मतलब ये काम कर रहा है। सो इस तरह आप जो है ना मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं और रैंक भी इसमें इंक्रीज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। सो यही तक था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।